क्राइम ब्रांच के अधिकारी बंद कर राजगढ़ के व्यापारी के मुनीम से दिन दहाड़े राजगढ़ से गुजर रहे पुराने इंदौर अहमदाबाद व्यस्तम मार्ग पर 2 लाख रुपए लूटे। मंडी व्यापारी विनोद कुमार पिता गोविंद राठौड़ फुलगावड़ी वाले हाल मुकाम मेला मैदान राजगढ़ ने राजगढ़ प्रेस क्लब अध्यक्ष सुनील बाफना को बताया कि विश्व मंगल फर्म के नाम से कृषि उपज मंडी राजगढ़ में अनाज खरीदी बिक्री का व्यापार करते हैं। रोज की तरह मेरा मुनीम सतीश पिता प्रहलाद यादव निवासी सरदारपुर को बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजगढ़ से राशि लाता है और किसानों को पैसा मंडी से देते हैं। सोमवार को भी मैंने मुनीम को भेजकर चेक क्रमांक 11-97-45 पर हस्ताक्षर कर 8 लाख रुपए का चेक दिया। बैंक से 8 लाख रुपए बाइक लेकर मंडी लेकर आ रहा था। इसी बीच सामने मां कृपा ट्रेडर्स के सामने एक बाइक पर 3 युवक आए और उक्त घटना को अंजाम दिया। मुनीम सतीश यादव ने बताया कि बैंक लंच टाइम के पूर्व 2:20 के लगभग में अपनी बाइक से मंडी पर जा रहा था। बाइक को पीछे से आ रहे बाइक पर 3 युवकों ने मुझे रोका और पूछा कहां रहते हो, तो मैंने बताया कि मैं सरदारपुर रहता हूं। लुटेरों ने गाड़ी के कागज और लाइसेंस मांगे और बोले हम क्राइम ब्रांच से आए हैं, तुम्हारे झोले में चरस गांजा तो नहीं है। इस बीच मैंने उनको अपने बाइक की पेट्रोल की टंकी पर रखे नोट से भरे झोले को दिखाया। बातों ही बातों में बड़गड़ाकर इस बीच झोले से 500 के नोट की 4 गड्डियां निकाल ली। मुझे पता नहीं चला। जब मंडी गया तो विनोद सेठ से बोला क्राइम ब्रांच वालों ने मुझे रोका, बैग की तलाशी ली। विनोद को शंका हुई तो नोट गिने तो 2 लाख रुपए कम निकले। मंडी व्यापारी संदीप जैन के साथ मुनीम और विनोद राठौड़ घटना स्थल पर पहुंचे। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद के बाद राजगढ़ थाने पर पदस्थ राम सिंह हटीला को सूचना दी। उन्होंने बताया कि मौका मुआयना किया। राम सिंह हटीला ने बताया कि घटना हुई है, मुनीम से पूछताछ कर जाँच की जा रही है। भारतीय न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.